प्यारे बच्चों, हरीश शर्मा का प्यार भरा नमस्कार। हम उदाहरण दो कर चुके हैं पिछले लेक्चर में, और इसमें कुल पांच उदाहरण हैं। उदाहरण नंबर तीन आपके समक्ष है। इसमें लिखा हुआ है कि इस दी गई आकृति में किसी कक्षा में रखे डेस्कों का की व्यवस्था है। ये जो ये कोने हैं, डेस्कों की व्यवस्था दर्शा रहे हैं। और आसिमा, भारती और कैमिला, ये ए बी और सी इन तीन स्थानों पर बैठी हैं। बताइए कि क्या ये एक सीधी रेखा में है? कारण सहित उत्तर दीजिए। पहले तो इनको सीधी रेखा में है, इस चीज़ को हमें सिद्ध करना पड़ेगा, और इसके लिए हम इनके बीच में दूरी ज्ञात कर लेते हैं। यदि ये दूरी और ये दूरी का योग पहले और तीसरी के योग के बराबर हो जाता है, यानी पहले दो दूरियों का योग तीसरी दूरी के बराबर हो जाता है, तो इसका मतलब ये एक सरल रेखा में है। तो दूरी सूत्र के द्वारा आप दूरी सूत्र द्वारा ए बी ज्ञात कीजिए। ए बी का मतलब ए तीन एक और बी छः चार है, तो छः माइनस तीन, सीधा सूत्र लगा देते हैं, का वर्ग प्लस चार माइनस एक का वर्ग का वर्गमूल कितना आ जाएगा? तीन का वर्ग प्लस तीन का वर्ग, यानी कि नौ प्लस नौ, और ये आ गया वर्गमूल अठारह। पहला हमारा निकलाया कि ये वर्गमूल अठारह है। वर्गमूल अठारह का मतलब तीन वर्गमूल दो आ गया, क्योंकि छेती अठारह होता है, तो तीन वर्गमूल दो। इसी तरह से बी सी निकालिए। बी सी में आठ माइनस छः का वर्ग प्लस छः माइनस चार का वर्गमूल, तो ये बन गया दो का वर्ग प्लस दो का वर्ग, यानी चार और प्लस चार वर्गमूल आठ का मतलब दो वर्गमूल दो। अब सी ए निकाल दो। अगर ये दूरी इन दोनों के बराबर है तो इसका मतलब सीधी रेखा में। आठ माइनस तीन का वर्ग प्लस छः माइनस एक का वर्ग का वर्गमूल, पाँच का वर्ग प्लस पाँच का वर्ग, यानी कि पच्चीस प्लस पच्चीस वर्गमूल पचास, अर्थात पाँच वर्गमूल दो। अब आप यहाँ देखिए, ए बी प्लस बी सी बराबर है तीन वर्गमूल दो प्लस दो वर्गमूल दो, यानी कि पाँच वर्गमूल दो, और ये बराबर है किसके आ गया? तो ये बी सी के बराबर हो गया, सॉरी सी ए के बराबर। इसका मतलब ए बी प्लस बी सी को अगर जोड़ दें तो सी ए के बराबर आता है, अतः तीनों एक सीधी रेखा में एक सीधी रेखा में बैठी है। यदि दो का योग तीसरे से बड़ा होता तो इसका मतलब वो सीधी रेखा में नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि इसका मतलब वो त्रिभुजाकार है। अब इसके बाद उदाहरण नंबर चार, एक्स और वाई में संबंध ज्ञात कीजिए ताकि बिंदु एक्स वाई बिंदुओं सात एक और तीन पाँच से समदूरस्थ हो। हम मान लेते हैं बिंदु जो है पी एक्स वाई ए सात एक, बी तीन पाँच,
तो अब सम दूरस्थ है तो पी ए और पी बी निकालो, एक्स वाई का अपने आप ही संबंध आ जाएगा क्योंकि इसमें संबंध ज्ञात करना है। तो पी ए निकालिए, पी ए किसके बराबर आएगा, पी ए का वर्ग निकाल लो बराबर हो जाएगा, एक ही बात है, पी ए निकाल दीजिए आप। पी ए सात माइनस एक्स का वर्ग प्लस एक माइनस वाई का वर्गमूल, और आप कह सकते हैं पी ए का वर्ग बराबर है सात माइनस एक्स का वर्ग प्लस एक माइनस वाई का वर्ग, इसको नंबर एक दे दीजिए। इसी तरह पी बी का वर्ग निकाल दो सीधा ही, तीन माइनस एक्स का वर्ग प्लस पाँच माइनस वाई का वर्ग, तो पी ए का वर्ग बराबर है पी बी का वर्ग, क्योंकि सम दूरस्थ हैं तो दूरी बराबर होंगी तो उनके वर्ग की दूरी भी बराबर होंगी, तो इसलिए हमने इनको बराबर रख दिया। बराबर रख दिया तो क्या आ जाएगा, सात माइनस एक्स का वर्ग प्लस एक माइनस वाई का वर्ग बराबर तीन माइनस एक्स का वर्ग प्लस पाँच माइनस वाई का वर्ग, तो सात सत्ते उनचास प्लस एक्स की दो माइनस चौदह एक्स प्लस वर्ग खोल दिया बेटा, वर्ग खोल रहे हैं इसका, तो ए माइनस बी का वर्ग यानी कि पहले का वर्ग प्लस दूसरे का वर्ग माइनस दो वाई, फिर इसका तीन का वर्ग नौ प्लस एक्स का वर्ग माइनस छः एक्स प्लस इसका वर्ग खोलिए पच्चीस प्लस वाई की दो माइनस दस वाई। अब आप देखिए यहाँ पे y की दो इधर है और y की दो उधर है, इधर लाएंगे कट जाएगा, इस तरह x की दो भी आपस में कट जाएगा। अब आप सारे x y एक तरफ कर लो सभी, तो हमारा क्या बन गया, ये इधर है 49 और प्लस एक, इसको उठा के इधर ले आओ माइनस नौ, इसको उठा के उधर ले आओ माइनस पच्चीस, माइनस नौ माइनस पच्चीस बराबर है, इस चौदह एक्स को उठा के उधर ले जाओ प्लस चौदह एक्स, प्लस चौदह एक्स ये इधर दो वाई उठा के ले आए प्लस दो वाई हो गया माइनस छः एक्स और माइनस दस वाई। एक्स वाई एक तरफ कर लिए बिना एक्स वाई वाले, यानी कि चर एक तरफ अचर एक तरफ, और इसके बाद पचास में से चौंतीस गई सोलह, क्योंकि ये प्लस के पचास ही माइनस के चौंतीस सोलह हो गए, चौदह एक्स माइनस छः एक्स आठ एक्स और माइनस आठ वाई, आठ से भाग दे दीजिए दो आ जाएगा x माइनस वाई, यानी x माइनस वाई बराबर है दो, ये संबंध निकलाया इनका x और y का। इसके बाद अंतिम पांचवा उदाहरण, ये चार उदाहरण, पांच उदाहरण पांच है बच्चों, तो पांचवा उदाहरण देखिए अब इसमें उदाहरण नंबर पाँच, वाई एक्स पर ऐसा बिंदु ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं ए छः पाँच और माइनस चार तीन से समदूरस्थ हो। वाई एक्स पर मान लिया ये बिंदु पी है, वाई एक्स के ऊपर बिंदु पी होगा तो पी क्या आएगा, शून्य और वाई एक्स पर मान लिया उस पर वाई एक्स पर उसका मान वाई है, क्योंकि वाई एक्स है तो एक्स निर्देशांक शून्य होगा, एक्स अक्ष पर वाई निर्देशांक शून्य होता है, वाई अक्ष पर एक्स निर्देशांक शून्य होता है, इसलिए इसके निर्देशांक बनेंगे उस बिंदु के जीरो और वाई, मान लिया वाई एक्स पर उसका मान वाई है। ये ए और बी से समदूरस्थ हैं इसलिए हम पी ए निकालते हैं, पी ए का वर्ग निकालो ठीक उसी तरह से,
जिसे हम पहले निकाला था, शून्य माइनस छः का वर्ग प्लस वाई माइनस पाँच का वर्ग, ये हो जाएगा, यानी कि ये बन जाएगा 36 प्लस वाई की 2 प्लस 25 माइनस 10 वाई, और आप इसको ठीक कर लीजिए, रीराइट कर लीजिए, वाई की 2 माइनस 10 वाई और प्लस 61, ये पी ए का वर्ग आ गया, पी ए वर्ग आ गया हमारा ये। और इसी प्रकार से हम पी ए वर्ग ये हमने निकाल लिया, तो पी बी वर्ग निकाल लिया, पी बी का वर्ग वही शून्य माइनस माइनस 4 का वर्ग प्लस वाई माइनस 3 का वर्ग 16 प्लस वाई की 2 माइनस 6y प्लस 9, और पी बी का वर्ग y की 2 माइनस 6y प्लस 25, और समदूरस्थ हैं तो पी ए वर्ग और पी बी वर्ग बराबर आएंगे, पी ए वर्ग बराबर है पी बी वर्ग क्योंकि समदूरस्थ हैं। तो पी ए का वर्ग क्या है, y की 2 माइनस 10y प्लस 61, वाई की 2 माइनस 6y प्लस 25, वाई की 2 से वाई की 2 कैंसल, ये उठा के इधर ले जाओ, इसको उठा के उधर ले आओ, माइनस 10y प्लस 6y बराबर है 25 माइनस 61 माइनस 4y बराबर है माइनस 36 और y बराबर है 9। तो इसका मतलब बिंदु क्या हो जाएंगे, बिंदु क्या आएगा, वो बिंदु आएगा, बिंदु P जो है क्या होगा, P होगा 0 और 9। और आप इसको 0 और 9 से पी ए बी और पी ए का वर्ग और पी बी का वर्ग निकाल के बराबर भी सिद्ध करके देख सकते हैं। इसके साथ ही उदाहरण समाप्त होते हैं और आज इतना ही। घर पर रहें, स्वस्थ रहें और खुश रहें, हमेशा अपना काम करते रहें। धन्यवाद।